आज दिनांक 29 मार्च 2019 को मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र के 96 विधानसभा अंतर्गत लालगंज में सपा बसपा रालोद निषाद पार्टी गठबंधन के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन गठबंधन के प्रत्याशी राजेंद्र यश बिंदु द्वारा कार्यालय का फीता काट कर किया गया। उद्घाटन समारोह के पश्चात सभा को संबोधित करते हुए मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र से गठबंधन के प्रत्याशी राजेंद्र यश बिंदु ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कार्यकर्ताओं से पूरे मनोयोग से चुनाव में लगने की अपील की। सपा जिला अध्यक्ष आशीष यादव ने अपने भाषण में बोलते हुए कहा, सपा बसपा रालोद और निषाद पार्टी के गठबंधन से विरोधियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। उक्त अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री कैलाश चौरसिया, श्याम नारायण यादव, पूर्व राज्य मंत्री गुलाब यादव उर्फ मुन्नी सुरेंद्र पटेल, कन्हैयालाल बिंद, कमला शंकर महतो आदि गणमान्य लोगों सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता गण व जनता उपस्थित रही। हाँ सर, ये जो आज आपका कार्यालय का उद्घाटन है लालगंज में, इस अवसर पर सर आप मिर्जापुर की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? पहले तो मैं सब जनपद वासियों को मैं पहले होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ के लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में जो सरकार है उसे जल्द से उठाना होगा, क्योंकि यह सरकार सिर्फ जुमलेबाज की सरकार है और हमको हमारे लोगों को ठगने का काम किया है। मैं चाहूँगा और सभी जनपद के वासियों से निवेदन करूँगा कि ऐसी सरकार को जल्द से उठाना। आप कार्यकर्ताओं से सर क्या अपील करना चाह रहे हैं? मेरे कार्यकर्ता मजबूत हैं और बूथ बूथ पर काम करेंगे और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। सरकार है उसे जिताएंगे। धन्यवाद।